तैयारी की वीडियो तो नहीं कह सकती है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आज। ये देखो उस दिन जो मैंने पानी डाल के निकाला था इसका, वाइट स्लेस्टोन का, धूप में अच्छे से सुखा लिया है ताकि क्रंची हो जाए। और ब्लैक और रेड का मैंने पानी में भिगोया था, आप लोगों को दिखाया था वो भी। तो इसका लेयर निकाल लिया है मैंने, ये देखो लेयर अच्छे से निकल आया है, ऐसे इसका लेयर निकल गया है, रेड वाले का भी लेयर निकल आया है अच्छे से, देखो इतने अच्छे अच्छे से इसका लेयर निकल गया है। पानी में डालने से अपने आप ही निकल आते हैं, तो आप लोग देख लो अच्छे से कितना सुंदर सुंदर इसका लेयर निकला है। अभी इनका मैं क्रंच वीडियो डालूँगी, वाइट और ब्लैक का। रेड को थोड़ी सी धूप में सुखानी पड़ेगी ताकि क्रंची हो जाए, लेयर निकालने के बाद तो वैसे ही सॉफ्ट हो गया है बहुत ज़्यादा, ये देखो सॉफ्ट हो गया, तो इसको धूप में थोड़ी सुखानी पड़ेगी। अभी ब्लैक और वाइट का क्रंच वीडियो आएगा, वाइट मैं ड्राई क्रंच करूँगी, ब्लैक के साथ मैं पेस्ट लूँगी, रेड पेस्ट, पंजाब के बिस्किट का पेस्ट, तो वो मेरे पास है। और फिर कल रेड वाले का क्रंच करूँगी किसी पेस्ट के साथ, देख लो कितना अच्छा लग रहा है। सबने बोला था लेयर निकालोगे तो दिखाना, मैं दिखा तो नहीं पाई कैसे निकाला, अपने आप ही निकल गया था। तो फिर मैंने अच्छे से वॉश करके प्लेट में डालकर लेकर आई हूँ, देख लो आप अच्छे से, ऊपर से मैं दिखा रही हूँ और नज़दीक से भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना तीनों ही। बाय।